बच्चों, इसमें हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज़ करेंगे एंड सम कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, है ना। तो मैकेनिक्स के मिक्स्ड प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है कि इलेक्ट्रो में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, मास एम है एंड इट इज़ एट इनफाइनाइट या वेरी लार्ज डिस्टेंस, मैथमेटिकली इनफाइनाइट लिख देते हैं, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज एन अदर फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। तो दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स दिस पार्टिकल, ठीक है। इसे हमने प्रोजेक्ट किया है वी नॉट वेलोसिटी से इसकी तरफ। तो हमें बताना है फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, जहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल की क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे। तो वहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लगाएंगे। तो बेटा ये बताना है कि सबसे करीब कितना जाएगा ये चार्ज पार्टिकल। तो जिस तरह के जितने भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं उनमें आप फॉर्मूले जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूज़ करते हो, फार्मूले आपको याद भी रखने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और कॉन्सेप्ट बट आपको मैकेनिक्स के यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप खुद देखिए, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल पास जाएगा, ठीक है, इसकी इस पे जो इसका रिपल्शन होगा वो इस तरह से लगेगा। इस रिपल्शन की वजह से बेटा ये रिटार्डेशन फील करेगा और इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती चली जाएगी। बट लेकिन जब तक स्पीड रहेगी तब तक मूव करता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और ये मान लेते हैं कि कुछ आर डिस्टेंस है, आर मिनिमम, है ना, आर एम लिख दिया हमने। तो आप कह सकते हो कि ये स्लो होते 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 रुक जाएगा। रुकने के बाद रिपल्शन तो लग ही रहा होगा, है ना, तो ये वापस लौट आना शुरू कर देगा। तो ये जो होगी जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी वो आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, सबसे करीब पार्टिकल के पहुँचेगा, ठीक है। तो ये हमें डिस्टेंस निकाल ली। तो ये चार्ज पार्टिकल बेटा फिक्स्ड है और ये मूविंग है, तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियल स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली डिस्टेंस इनफाइनाइट, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फैक्टर्स को काउंट नहीं करेंगे जब तक कि हमें हिंट ना दे हमें कि काउंट करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी के प्लस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इनफाइनाइट है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। यहाँ से आप आर मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर इंटू टू। तो इस तरह से बच्चों आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अक्सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करेंगे इस तरह के मोशन के सवालों में। अगर हम इसी से सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन आपको डिस्कस करें, मान लेते हैं ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और नॉन कंडक्टिंग भी है, नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, है ना, नॉन कंडक्टिंग सरफेस हो गई। और इस नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे एक चार्ज बॉडी है हमारे पास, प्लस क्यू टू चार्ज है, इसका मास एम है मान लेते हैं। ये रखी हुई है हमारे पास और हमने एक M1 मास की बॉडी, Q1 चार्ज की बॉडी को हमने किसी वेलोसिटी V0 से बहुत दूर से वेरी लार्ज डिस्टेंस से इसकी तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें ये बताना है बेटा कि जब हम इसको बहुत लार्ज डिस्टेंसेस की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे तो इसमें भी हमें बताना है कि फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2,
Q1 Q2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है ये हमें बच्चों बतानी है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड बोथ द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, बोथ पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, है ना, ये गिवन है। तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये तो मूव कर ही रहा है और ये भी रखा हुआ, इट इज नॉट फिक्स्ड, है ना, दिस पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड, सो इट कैन मूव बेटा, है ना। पिछले सवाल में क्या था कि जो दूसरा पार्टिकल था वो फिक्स्ड था, है ना, तो अगर वो फिक्स्ड था तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स पकड़ के होल्ड करके रखा था, जिससे जिसकी थ्रू भी फिक्स कर रखा था, उसने फोर्स लगा रखा था। यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटा कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल दूसरे के करीब आएगा तो ये एक दूसरे को, चूंकि सेम साइन के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अप्लाई करेंगे, तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी और इसमें भी कुछ वेलोसिटी वी नॉट से घट जाएगी, सपोज वी टू आ जाएगी, ओके बेटा। तो ये जो फोर्स होगा ये इसको, ये पार्टिकल रुका हुआ था बट इस पर जैसे ही करीब आएगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ देगा, जिसकी वजह से ये मूव करने लगेगा, तो ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है, और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, है ना, बट स्टिल ये जीरो से धीरे धीरे बढ़ रही होगी और ये वी नॉट से धीरे धीरे कम हो रही होगी। तो अगर वी टू अगर बड़ा है वी वन से अभी भी, तो ये जो बीच की सेपरेशन होगी आर, ये स्टिल कम हो रही होगी क्योंकि ये अभी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये इसके करीब जा रहा होगा, इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, है ना, ये 10 की रफ्तार चल रहा है 20 से, तो अभी ये पास जाएगा, तो आर अभी और घटेगा बेटा, है ना। तो एक इंस्टेंट ऐसी आएगी, आप समझ सकते हो कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और इसकी घटते घटते एक इंस्टेंट ऐसी आएगी, जब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस सिचुएशन पे दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी बेटा, ठीक है। तो जब दोनों की वेलोसिटी से, क्योंकि अब फोर्स तो अभी भी ऐसे ही लग रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ही लग रहे होंगे रिपल्शन, अब अगर आप देख रहे हैं तो अगले मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस फोर्स और इसकी और कम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी जैसे ही इससे बड़ी हो जाएगी, चूंकि अभी दोनों की अगर इक्वल है, जैसे इसकी बढ़ेगी और इसकी कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, उस सिचुएशन में ये ज़्यादा तेज चलने लगेगा, ये स्लोली तो सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी मिनिमम जो सेपरेशन है वो इसी मोमेंट ऑफ टाइम पे है। तो आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जो टू बॉडी ऑसिलेशन में जो हमने सेंटर ऑफ मास में स्प्रिंग का केस किया था कुछ मिलता जुलता था। यहाँ पर बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द कोलिजन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, है ना, कोलिजन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स है, कोलिजन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर आप कह सकते हो जब वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाती है इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स आर सेट टू बी कोलाइडिंग। तो वही मैं पहले भी बता चुका हूँ कोलिजन में, कि फॉर कोलिजन फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं होता है। जब भी दो चार्ज पार्टिकल ऑफ सिमिलर चार्जेस कोलाइड करते हैं तो वो कुछ सेपरेशन पे होते हैं ना, तो दिस इज एक्चुअली द कोलिजन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, दो प्रिंसिपल यहाँ पे मेनली यूज होते हैं, तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो वी वेरिएबल होगा, एक आर मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है। तो दूसरा हम यहाँ पे अगर देखें पूरे को सिस्टम माने, पूरे को सिस्टम माने दोनों पार्टिकल को इंक्लूड करके, तो ये जो फोर्स होगा एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा और देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो अगर पूरे को सिस्टम माने, सिस्टम ऑन सिस्टम, एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो चलिए दो इक्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, एक तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन हम लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को लगाएंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे है जीरो, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, काइनेटिक एनर्जी केवल एक पार्टिकल के पास थी हाफ एम वन वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर मिनिमम प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी, स्पीड सेम है तो मैं एक साथ लिख देता हूँ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख दी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की है। तो इनिशियल मोमेंटम m1 v0 था, दूसरे का जीरो था, और फाइनल मोमेंटम m1 v प्लस m2 v।
तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए तो r मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैकेनिक्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एनर्जी और मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट प्योर मैकेनिक्स का है, वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास का है, बट यहाँ पर आपने फार्मूला जो यूज़ किया है पोटेंशियल एनर्जी का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपने फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप और कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम बच्चों हम और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और तीन चारों फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चारों चार्ज पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, ठीक है। मास सबके m है और ये साइड लेंथ जो है स्क्वायर की वो a है, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल a। अब अगर इन तीन को फिक्स रखा जाए और ये चार्ज पार्टिकल ए, ठीक है, वन चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड, वन चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड, एक चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज कर दिया। तो हमने पूछा फाइंड आउट स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट रीचेस इनफाइनाइट, है ना। जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, ये बतानी है। और एज्यूम दैट कि ये चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल इज इंटरैक्टिंग ओनली विद दिस दीज थ्री रिमेनिंग पार्टिकल्स, है ना। तो इनके अलावा किसी कोई देर इज नो इंटरेक्शन, नो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सारी बातें आपको गिवन है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बच्चों है कि जब इस चार्ज पार्टिकल पे ऐसे छोड़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से लगेगा, डायगोनली हम पढ़ चुके हैं कूलम फोर्स पे, तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब ये इनफाइनाइट पे पहुँचेगा तो सभी से इसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो मुझे सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो जो कि बाकी तीन फिक्स्ड हैं और ये सिर्फ एक पार्टिकल है, इस पर फोर्स भी लग रहा है ये तीन का, तो यहाँ LMC का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद इस सवाल को सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए, देन आप इसका आंसर देखिए, ईमानदारी का पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर आप देखें तो तीन के साथ इंटरैक्ट हो रहा है ना। मैंने कहा था कि वैसे अगर n पार्टिकल हैं और टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो वैसे तो n C2 टर्म्स आएंगे, बट अगर सिर्फ एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो फिर आप n-1 टर्म आएंगे। तो ये एक इससे, इससे और इससे इंटरेक्ट करेगा, तो ये टर्म a साइड लेंथ है, ये a है और ये a√2 डिस्टेंस है, तो k³/a ये दो टर्म होंगे और प्लस k³/a√2 ये एक टर्म होगा। दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से बच्चों आप सिंपल स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड क्या होगी और क्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन हम और सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे कराना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, इस बॉडी का मास m है, चार्ज प्लस q है और यहाँ पर एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो हम 1/4πε0 को अब के से नहीं लिखेंगे, पूरा 1/4πε0 लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बच्चों यहाँ पे ये अभी रिलैक्स्ड पोजीशन पे है, दिस इज एट रिलैक्स्ड पोजीशन एंड दिस डिस्टेंस इज L0, नेचुरल लेंथ L0 है। तो इफ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगर हमने बॉडी को रेस्ट से रिलीज किया है तो हमें बताना है फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। अब आप देखो यार, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो कोई वैसे तो फोर्स लग नहीं रहा, पर इस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो ये एक इसको रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, फिर स्प्रिंग इधर से फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे मूव करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो स्प्रिंग इधर फोर्स अप्लाई करने लगेगा।
तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब तब होगा जब आप कह सकते हो कि ये इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा और इसका डिस्टेंस के साथ घटता चला जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे आप सब लोग जाते हो कि वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि जब तक ये मूव करता जाएगा तब तक एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। तो व्हेन द एक्सटेंशन इज मैक्सिमम इट्स वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो सिंपल यहाँ पर जो स्प्रिंग का फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, नॉर्मल और ग्रेविटी तो वर्कडन कर नहीं रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो वी कैन सिंपली कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे स्प्रिंग दिया है तो हमें स्प्रिंग काउंट करना है, तो इनिशियल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल नॉट थी, ये एल नॉट गिवन होगा आपको, तो 1/4 πε0 Q1 × Q2 Q² डिवाइड बाई एल नॉट, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी Q × Q यानी 1/4 πε0 Q² डिवाइड बाई एल नॉट प्लस xm, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 kxm², है ना। तो बस आप ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से दोनों सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में आपका जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आएगी जीरो आएगी। तो यहाँ पर इनिशियली जो इलेक्ट्रो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पहले रिलैक्स था ना हमारा स्प्रिंग इसलिए। अच्छा, यहाँ पे एक कैलकुलेशन और बन सकता है, अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड अगर निकालनी हो, तो मैक्सिमम स्पीड में बता चुका हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये यहाँ से जब एक्स नॉट डिस्टेंस पे होगा, जब इसका के एक्स नॉट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि के एक्स नॉट और के क्यू वन क्यू टू अपॉन एल नॉट प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आएंगे, इसलिए मैं आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू आएगी, वो उस एक्स नॉट पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमेशा स्पीड मैक्सिमम होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्स नॉट निकालने के बाद फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, है ना। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लिख देंगे, इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई एल नॉट प्लस सॉरी एल नॉट ही रहेगा, बाद में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एल नॉट प्लस एक्स नॉट आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv max², है ना। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं आप, टोटल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मैकेनिक्स में इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बनते हैं इस तरह के बेटा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हम चलिए और डिस्कस करते हैं, इनमें कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रो के आपको फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं और कॉन्सेप्ट सारे मैकेनिक्स के होते हैं, ठीक है, सारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक क्यूब है जिसके 8 कॉर्नर पे 8 चार्जेस हैं, ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हैं, 4 पॉजिटिव हैं 4 नेगेटिव हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रेकिंग दिस सिस्टम, है ना, मिनिमम वर्क डन भी बोल सकते हो, या यहाँ पे गिवन होगा कि विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, ये जेई का आईआईटी का ही क्वेश्चन है, 2005 में आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया था, 2005 का ये मोस्ट प्रॉब्लम मुझे याद है। तो जब भी सिस्टम को ब्रेक करने की बात होगी तो इसका क्या मतलब होगा, ब्रेक करने का मतलब होता है बेटा कि हम इन सारे चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर दें अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, है ना। ब्रेकिंग ए सिस्टम का सिंपल मीनिंग है कि सेपरेटिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स एट इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब किन्हीं भी दो के बीच की डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दीजिए ताकि वहाँ से इंटरैक्शन खत्म हो जाए और सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, डिसेंबल हो जाए पूरा का पूरा सिस्टम। तो अभी ये असेंबल्ड सिस्टम है, इसको हमें डिसेंबल करना है और हमें वर्कडन पूछा गया। तो जब सारी सेपरेशन सबके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा,
तो उस सिचुएशन में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी डेफिनेटली जीरो हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो भी सिस्टम की होगी टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से जब ब्रेक कर रहे हो आप, तो हमने अभी एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉन्फिग्रेशन में जब भी हम चेंज करेंगे तो किस तरह से वर्क डन निकालेंगे। तो हमेशा अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ब्रेक कर रहे हो तो इनफाइनाइट सेपरेशन है तो जीरो है, तो जो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसमें अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी अवर आंसर कि सिस्टम को डिसेंबल करना है ब्रेक करने में मिनिमम कितना वर्क डन करना। मिनिमम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा वर्क डन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो व्हेन यू डू नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी देन इट इज एक्चुअली द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, यू आर बेसिकली चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन। और जब ब्रेक कर रहे हो तो ये साइड लेंथ ऐसे सोचो इनफाइनाइट हो जाएंगी, इतनी दूर कर दिया सबको तुमने। तो चलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 8C2 28 टर्म आते हैं, ये है ना 28 टर्म आएंगे। तो अगर आप देखो यहाँ ध्यान से कि, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 12 एज होती हैं, 12 फेस डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, इस तरह से 28 टर्म आते हैं। तो जो 12 एज होंगी वो ए साइड लेंथ होंगी, ये ए है, ये ए है 12 एज, और अगल बगल वाले सब पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो ये सारे निगेटिव टर्म आएंगे। तो माइनस का 12KQ2, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू और साइड लेंथ ए है। तो इसी तरह से जो 12 फेस डायगोनल होंगे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो फेस डायगोनल को, तो ये माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे देख लो प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू, तो फेस डायगोनल सब सेम साइन के हैं, तो सारे 12 पॉजिटिव टर्म आएंगे KQ2/a√2। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल वंस अगेन निगेटिव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये माइनस, ये प्लस, इधर से ये ऊपर वाला प्लस, ये नीचे वाला माइनस, इधर प्लस, ये माइनस, है ना। तो ये निगेटिव टर्म आएंगे, माइनस 4KQ, 4 टर्म आएंगे अपॉन a√3। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, बट ये दो नेगेटिव बड़ा वैल्यू हो जाएगा दोनों का। तो टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्कडन है बेटा, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इनिशियल में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो 12KQ2/a प्लस 4KQ2/a√3 माइनस 12KQ2/a√2। तो दिस इज योर वर्क डन बाय, मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रेकिंग दिस सिस्टम, इन डिसेंबलिंग दिस सिस्टम, इन फाइनाइट सेपरेशन पे ब्रेक कर रहे हो। तो बेसिकली आपको वर्क डन करना पड़ रहा है ना, यू आर गिविंग सम एनर्जी। तो कई बार ये भी पूछता है बेटा कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सिस्टम, तो यही मिनिमम एनर्जी भी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड भी यही है। अगर वर्क डन ना बोले मिनिमम एनर्जी बोले तो भी यही आंसर होगा बेटा, है ना। तो इस तरह से आप आंसर, तो यही बाइंडिंग एनर्जी भी होती है। अगर किसी पोटेंशियल, टोटल सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो उसे ये बाउंडेड सिस्टम कहलाता है, और उसे ब्रेक करने में जो वर्क डन लगता है या मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ओके।